तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता आप सभी का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 31 जुलाई 2024 मतलब कि कल के लिए मार्केट में आप लोगों के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी भाइयों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको कल की मार्केट के लिए एक अच्छे लेवल देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आज के मार्केट का बिहेवियर समझाना चाहता हूं। तो अगर आप लोग यहां पर देखें तो मार्केट आज सुबह 9:15 पर लगभग आपका जो ओपन हुआ था वो 24,839 के आसपास ओपन हुआ था। तो दोस्तों, ओपन होने के साथ ही मार्केट में क्या आया, यहाँ पर एक डाउन साइड की सेलिंग आई। एंड दोस्तों, इसका जो ये नीचे वाला लेवल आपको देखने को मिल रहा होगा 24,790 का, यहां से मार्केट ने क्या लिया, एक अपना सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में ट्रेड करने लगी। यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो पिछले दिन का जो इसका रेजिस्टेंस था वो यहां पर कितना था आपका 24,882 का लेवल। तो दोस्तों, यहां से मार्केट क्या कर रहा था, थोड़ा यहां पर कंसोलिडेशन किया और उसके बाद यहां पर एक बुलिश कैंडल के साथ इसका जैसे ही ब्रेकआउट किया तो यहां पर आपको ऊपर साइड में मार्केट जाते हुए दिखाई दी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपके सामने एक नया रेजिस्टेंस बनकर तैयार हुआ। तो रेजिस्टेंस जो आपका है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। तो मार्केट काफी देर यहां पर क्या करता रहा, सस्टेन करता रहा। एंड दोस्तों, यहां पर अगर आप लोग बिल्कुल लास्ट में देखें तो मार्केट में यहीं से एक तगड़ी सेलिंग नीचे की साइड में देखने को मिली। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कल के दिन आपके क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, जिससे आपको एक बड़ा चार्ट सामने बनता हुआ दिखे और आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो आज कितने पर हुई है, मार्केट की क्लोजिंग जो हुई है वो 24,840 पर हुई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर कल के दिन मार्केट आपके इसी रेंज के आसपास ओपन होती है तो दोस्तों सबसे जो पहला आपका काम होगा वो ये होगा कि मार्केट जैसे ही ओपन होती है तुरंत आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ठीक है, मार्केट में पहले थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना है और अगर मार्केट यहां से धीरे 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 करके इस वाले लेवल के पास आती है, 24,790 के लेवल के आसपास आती है, तो दोस्तों यहां से अगर कोई आपकी कोई बुलिश कैंडल बनाता है, कोई हैमर जैसी कैंडल बनाता है या कोई बुलिश कैंडल बनाता है, बुलिश मारो बुझू इस प्रकार की कोई कैंडल बनाता है, तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट लेवल रहेगा ऊपर की साइड में वो आपका रहेगा 24,880 के आसपास। क्योंकि दोस्तों ये जो आपका रेजिस्टेंस है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड दोस्तों, अगर हम लोग सेकेंड सिनेरियो की बात करें तो अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के साथ ही अगर मार्केट धीरे 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 आपका ये जो ऊपर वाला लेवल है इस लेवल के पास जाती है एंड दोस्तों इस लेवल के पास पहुंचते ही कोई बियरिश कैंडल बनाती है तो दोस्तों आपका जो नीचे की साइड में आपकी क्या बनेगी, नीचे की साइड में आप लोग जा सकते हैं एंड आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला लेवल जो कि आपका 24,790 का। तो दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर बात कर ली कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और फ्लैट ओपन होने के साथ ही अगर मार्केट ऊपर जाती है धीरे धीरे करके तो यहां से अगर आपकी कोई बियरिश कैंडल बनती है तो आप लोग नीचे साइड में जा सकते हैं। एंड अगर मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के साथ ही बहुत ही धीरे धीरे मतलब कि एक स्लो मोमेंटम करते हुए इस वाले लेवल के आसपास आती है और यहां से कोई एक बुलिश कैंडल बनाती है या कोई बुलिश पैटर्न बनाता है तो आपका जो ऊपर साइड में जा सकते हैं एंड जो आपका ऊपर वाला लेवल रहेगा वो फर्स्ट लेवल आपका ये वाला रहेगा। ठीक है, एंड दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट आपके गैप अप कुछ आपके यहाँ पर ओपन होती है जैसे कि 24,950 के आसपास या फिर मार्केट आपकी जो गैप अप ओपन होती है 24,980 के आसपास या फिर 24,000 पूरा पूरा आपका जो हो गया 24,990 के आसपास, कहने का मतलब अगर मार्केट आपकी 25,000 के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के साथ ही, ठीक है एक सेकेंड में यहाँ पर आपको कुछ बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ पर आपकी जो है वो 24,999 मतलब कि लगभग 25,000 के आसपास ओपन होती है और ओपन होने के साथ ही
कोई बियरिश कैंडल बनाती है, कोई एक जैसे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनाती है, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अगर देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये जो आपकी कैंडल बनी है बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के पास में, यहाँ पर आप लोग ये वाली कैंडल देख सकते हैं, बिल्कुल शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी है, बट इसका कलर क्या है आपका, ग्रीन। तो दोस्तों मैंने काफी सारे वीडियो में बताया है कि कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैंडल का जो बिहेवियर होता है उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपकी एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनी है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कितनी स्पीड से मार्केट नीचे की साइड में गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब क्या है कि अगर मार्केट आपकी इस लेवल के आसपास ओपन होती है और ओपन होते ही कोई बियरिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग अप साइड में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मार्केट पीछे आपको मैंने अभी दिखाया कि कितनी तेजी से नीचे की साइड में आई है, तो काफी ज्यादा चांसेस ये हो सकते हैं कि मार्केट यहाँ से आपके नीचे की साइड में आने की कोशिश करे। तो दोस्तों आपका जो SL रहेगा वो उस कैंडल के हाई का रहेगा, एंड जो आपका टारगेट रहेगा वो आप लोग नीचे की साइड में आप 1:2, 1:3 का इस प्रकार का टारगेट रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर क्या कह रहा था कि अगर मार्केट आपकी गैप अप ओपन होती है और गैप अप ओपन होने के साथ ही अगर कोई बियरिश कैंडल बनाती है तो आप लोग नीचे की साइड में देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो दोस्तों गैप डाउन किस लेवल पर, गैप डाउन ओपन होती है मान लीजिए आपके इस वाले लेवल पर, ये लेवल है आपका 24,790 के आसपास। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन होने के साथ ही कोई यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाती है, एक पावरफुल बुलिश कैंडल बनती है, जैसे कि आपकी एक मारो वो जो कैंडल होती है पूरी फुल बॉडी कैंडल क्या होती है, ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, हैमर कैंडल हो गई, या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो गई, मतलब कि कोई भी एक बुलिश कैंडल बनाती है या फिर कोई एक बुलिश पैटर्न बनाती है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप छोटा सा SL लेकर आप ऊपर की साइड में देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकेंड टारगेट ये रहेगा, एंड जो दोस्तों आपका जो फाइनल टारगेट है वो आपका ये वाला रहने वाला है, जो कि है आपका 25,000 का लेवल, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको निफ्टी 50 के अंदर अच्छे से लेवल यहाँ पर पता चल गए होंगे कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तब आप लोग क्या कर सकते हैं, एंड मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है तब यहाँ पर क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं, एंड मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तब यहाँ पर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। एक दोस्तों मैं और बताने एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट आपकी गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन कहाँ पर होते ओपन होती है, ये जो लेवल है आपका 24,790 का, इसके जस्ट नीचे ओपन होती है, ठीक है। एंड दोस्तों जस्ट नीचे ओपन होने के साथ ही अगर कोई यहाँ पर बियरिश कैंडल बनाती है तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिसेंट में अगर यहाँ पर कोई सपोर्ट की बात करें तो आपके सामने ये वाला जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है, ये वाला लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है नीचे की साइड में। अगर दोस्तों यहाँ से कोई एक मतलब शार्प सेलिंग आती है तो आपके सामने ये जो लेवल होगा ये आपके लिए क्या कर सकता है, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। तो दोस्तों चलिए हमने यहाँ पर निफ्टी 50 की पूरी आराम से अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। अब हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर आप लोग इस वाली कैंडल को देखें, अगर मैं यहाँ पर आपको आज ओपन कौन सी कैंडल हुई है मार्केट में, 30 तारीख के दिन ये वाली जो कैंडल ओपन हुई है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के साथ ही मार्केट काफी ज्यादा यहाँ पर नीचे आई, एंड इसका जो ये वाला लेवल था पीछे आप लोग देख सकते हैं कि पीछे भी ये क्या कर रहा था, सपोर्ट का काम कर रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर मार्केट नीचे आई और इस वाले लेवल का क्या लिया, सपोर्ट लिया, एंड सपोर्ट लेने के साथ ही मार्केट ऊपर गई। ये दोस्तों आपके सामने 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है और ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आई। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसे अगर ध्यान से देखें तो ये जो कैंडल आपके सामने बनती हुई दिख रही है, ये वाली कैंडल, एक दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि नीचे से क्या आया, इसमें बाइंग प्रेशर आया। तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग प्रेशर आया इस वाले सपोर्ट लेवल से, यहाँ पर बाइंग प्रेशर आने के बाद मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर क्या करती रही, ऊपर नीचे ट्रेड करती रही। देन दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर बाद वापस से मार्केट अपने इसी लेवल पर आया, एंड दोस्तों इसी लेवल पर आने के बाद इसने यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनाई। तो दोस्तों हैमर कैंडल यहाँ पर बनी, तो हैमर कैंडल क्या होता है, हैमर कैंडल अगर कोई सपोर्ट पर बनता है और
तो दोस्तों यहाँ से काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि मार्केट यहाँ से अप साइड में जा सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हैमर कैंडल बनी, और हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट में एक अप साइड का मूव देखने को मिला। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग बात करें तो मार्केट में यहाँ पर आपका अप साइड का मूव देखने को मिला, यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर मार्केट में अप साइड का मूव देखने को मिला, और यहाँ पर आपका जो पिछला रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ने इसमें क्या किया, नीचे की साइड में प्रेशर लगाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों मार्केट काफी देर यहाँ पर क्या करती रही, साइडवेज तरीके से मूवमेंट करती रही। देन दोस्तों यहाँ पर एक काफी बड़ी कैंडल ने इसका क्या किया, ब्रेकआउट किया ऊपर की साइड में। देन दोस्तों वहां पर इसके बाद क्या हुआ, वापस से दो कैंडल यहाँ पर क्या बनी, बियरिश कैंडल बनी। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका ब्रेकआउट किया था, तो यहाँ पर जो भी इसके यहाँ पर सेलर्स के स्टॉप लॉसेस थे, इस कैंडल ने क्या कर दिए, इस कैंडल ने सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पर हंट कर दिए। ठीक है, देन दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, आपकी जो बियरिश कैंडल बनी, तो दोस्तों जो यहाँ पर बियरिश कैंडल बनी और इन लोगों का जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा था, उनका स्टॉप लॉस इन दो कैंडल ने क्या कर दिया, हंट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर फ्रेश स्टॉप लॉस क्या होने थे, यहाँ पर अब फ्रेश स्टॉप लॉस जो भी होंगे वो क्रिएट होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक आपका सपोर्ट एरिया बन गया। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सपोर्ट पर काफी देर यहाँ पर आप लोग देखें तो 6 से 7 कैंडल यहाँ पर क्या करती रही, इसी सपोर्ट पर ट्रेड करती रही, और वापस से अपने इस जो ये जो आपका रेजिस्टेंस था इसको इसने ब्रेक किया और ऊपर निकलने की कोशिश की। पर दोस्तों यहाँ पर इसका जो आपका हाई लेवल था, यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से मार्केट ने वापस से क्या कर लिया, रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस को फेस करते हुए मार्केट ने काफी तगड़ा नीचे की साइड में मूवमेंट दिया। तो दोस्तों ये तो हो गया आज की बात, अब हम लोग बात करते हैं कि कल के लिए आप लोगों के लिए कौन कौन से लेवल यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो मार्केट अभी जो क्लोजिंग हुई है वो कहां पर हुई है, मार्केट की क्लोजिंग हुई है 51,426 के आसपास। तो दोस्तों अगर मान लेते हैं कि कल के दिन मार्केट फ्लैट ओपन होती है, और फ्लैट ओपन होने के साथ ही अगर मार्केट यहां पर दोस्तों आपकी फ्लैट ओपन हुई, ठीक है, तो ओपन हुई तो आपको यहां पर बाय एंड सेल किसी भी साइड में नहीं जाना है, पहले आपको यहां पर वेट करना है। अगर दोस्तों यहां पर थोड़ी मतलब कंसोलिडेशन होते होते बहुत ही स्लो मोमेंटम करते हुए अगर आपके इस वाले लेवल के पास आए 51,300 के आसपास, और यहां पर आने के बाद अगर ये सपोर्ट बना रही है, जैसे कि यहां पर इसने एक सपोर्ट बनाया था हैमर कैंडल का, तो दोस्तों अगर यहां पर भी कोई हैमर कैंडल बनाता है या कोई बुलिश कैंडल बनाता है, जैसे बुलिश मारो वो जो कैंडल बनाता है, या कोई एक चार्ट पैटर्न बनाता है जो कि आपका बुलिश चार्ट पैटर्न होना चाहिए, तो दोस्तों आप लोग ऊपर साइड में जा सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर। एंड दोस्तों आपका जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 51,640 के आसपास, एंड जो आपका सेकेंड टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 51,780 के आसपास। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मार्केट आपकी फ्लैट ओपन होती है, एंड फ्लैट ओपन होने के साथ ही मार्केट धीरे धीरे करते करते यहाँ पर आपके पहुंचती है 51,640 के आसपास। तो दोस्तों अगर 51,640 के आसपास पहुंचती है और वहां पर कोई आपकी बुलिश कैंडल बनाती है, तो दोस्तों आप लोग नीचे साइड में जा सकते हैं। एंड दोस्तों मान लेते हैं कि अगर मार्केट ने इस वाले लेवल का ब्रेकआउट कर दिया ऊपर की साइड में, तो आपका जो नेक्स्ट लेवल रहेगा ऊपर साइड में वो रहेगा आपका 51,780 के आसपास। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका फ्लैट सिनेरियो के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर मार्केट आपकी गैप अप ओपन हो जाती है या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं कि मार्केट आपकी गैप अप ओपन हो गई, और गैप अप आपकी कहां पर ओपन हुई, 52,138-140 के आसपास आपकी मार्केट गैप अप ओपन हुई। तो दोस्तों अगर मार्केट यहां पर ओपन हुई और ओपन होने के साथ ही मार्केट में क्या हुआ, कोई बियरिश कैंडल बनी, तो दोस्तों यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग नीचे की साइड में जा सकते हैं, एंड इस ये जो आपका जोन है इसके जस्ट ऊपर का आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा सिनेरियो क्या है कि अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुई आपके इस वाले लेवल के आसपास, एंड दोस्तों यहां पर कोई एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है, तो दोस्तों पहली बात क्या होनी चाहिए, पहला आपका काम ये होना चाहिए कि मान लेते हैं कि यहां पर आपकी एक बुलिश कैंडल बना दी, बट दोस्तों यहां पर आपको ये देखना चाहिए कि बुलिश कैंडल तो बनी है, क्या वो कैंडल सस्टेन हुई है
या फिर डायरेक्ट नीचे की साइड में आई हुई है। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर क्या हुआ, मार्केट में इस कैंडल का ये जो आपका रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट हुआ, एंड दोस्तों यहां पर बुलिश कैंडल के साथ इसका ब्रेकआउट हुआ। बट दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर दूसरी कैंडल भी बुलिश बनी, बट यहां पर इसका हाई इसने ब्रेक नहीं किया। तो दोस्तों यहां पर इसके बाद जस्ट यहां पर एक दो तीन तीन कैंडल क्या हुई, आपकी बेयरिश कैंडल बनी। तो दोस्तों यहां पर आपको ये देखना चाहिए, आपका अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग दो चार्ट लगा सकते हैं, निफ्टी का लगा सकते हैं एंड बैंक निफ्टी दोनों का लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखते रहिएगा कि अगर बैंक निफ्टी में अपसाइड का मूव आ रहा है तो क्या निफ्टी में भी अपसाइड का मूव आ रहा है, या निफ्टी उस प्रकार ऊपर की साइड में नहीं जा पा रही है जितनी स्पीड से आपकी बैंक निफ्टी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग दोनों चार्ट लगाकर भी आप लोग एक क्या कर सकते हैं कि एक अच्छी एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बनती है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका ऊपर की साइड में सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल सस्टेन नहीं हुई और वापस से नीचे आ गए तो आपकी जो भी यहाँ पर बाइंग होगी वो सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अगर बुलिश कैंडल बनती है तो दोस्तों आप लोग जैसे यहाँ पर पांच छह कैंडल बनी और उन पांच छह कैंडल का अगर यहाँ पर ब्रेकआउट दे ऊपर की साइड में, तब यहाँ पर आप लोग ऊपर की साइड में जा सकते हैं, वरना आप लोग ऊपर की साइड में डायरेक्टली बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये भी जो कंफ्यूजन था वो दूर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि मार्केट मान लीजिए अगर गैप डाउन ओपन होती है आपके इस वाले लेवल पर 51,266 का जो लेवल है, तो यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपका यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की साइड में काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट बना है। तो यहाँ पर भी सपोर्ट बन सकता है एंड मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड में निकल सकती है। तो दोस्तों आई होप आपको आज की ये एनालिसिस समझ में आई होगी, आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड दोस्तों जय भारत।